कि अब लाइफ साइंस आप देख रहे हैं कि देखते हैं हम लोग लाइफ साइंस में क्या क्या है। तो चलिए आज हम लोग अंदर चलते हैं। यहाँ भी आप देख रहे होंगे कि कुछ बच्चे हैं जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ एक बड़ा सा होल दिखाई दे रहा है, आप देखेंगे नीचे काफ़ी बड़ा सा एक वेल बनाया गया है, और ये जो वेल है ये आर्टिफिशियल है और इस तरह का डिज़ाइन किया गया है। आप देख रहे होंगे कि काफ़ी खूबसूरत सा है, और ये जो देख रहे हैं ये बनाया गया है, साइंस का एक बहुत अच्छा नमूना है। अब चलिए अंदर चलते हैं हम लोग और देखते हैं कि और अंदर क्या क्या है। नज़ारा अब मैं आपको एक एक कर यहाँ का सारा डिटेल दिखाता हूँ कि यहाँ क्या क्या है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पहले बायो से रिलेटेड ये जो पूरा बायो से रिलेटेड है ये बना हुआ लाइफ साइंस का जगह। तो ये जो देख रहे हैं आप ये एक डीएनए का मॉडल तैयार किया हुआ है, और हमारे बायो टीचर हमारे साथ हैं, आपको बताएंगे ये बहुत सारा डिटेल। तो सर बताएं ये डीएनए का क्या खासियत होता है, आप बताएं। हाँ, ये डीएनए जो है इसको जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, और जितने भी हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं वो डीएनए के जरिए ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। तो ये जो है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है डीएनए का, जो कि आप यहाँ पे नमूना देख रहे हैं उसका। तो ये डीएनए है, और इसके डीएनए के स्मॉल पीस को ही हम लोग जीन बोलते हैं, और एक्चुअली ये जीन जो है वही जेनेटिक जो आपका हेरिडिटरी कैरेक्टर है उसके ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। अब आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये माइक्रोस्कोप वर्ल्ड जहाँ पर बनाया गया, माइक्रोस्कोप में ये काला माइक्रोस्कोप आप देख रहे हैं प्लांट्स, और साथ में ये जो माइक्रोस्कोप है ये प्लांट सेल्स को देखने के लिए बनाया गया है। माइक्रोस्कोप है, इसे प्लांट के सेल्स को आप देख सकते हैं। तो हमारे बायोलॉजी टीचर थोड़ा सा रिसर्च करते हुए, और उसके बाद ये देख रहे हैं आप इससे क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। तो क्रोमोसोम को देखने के लिए ये स्पेशल माइक्रोस्कोप है। आप देख रहे होंगे कि ये जो बनाया गया, देख रहे हैं आगे में लेंस लगा हुआ माइक्रोस्कोप का, और इसके बाद हम लोग आगे एक और माइक्रोस्कोप है जो एनिमल सेल्स के लिए, ये एनिमल सेल्स को आप देख सकते हैं, मतलब एक तरह से एनिमल सेल्स को आप देख सकते हैं इसमें। तो इसमें एनिमल का शेप दिखता है, और इसमें आप इसके अंदर आप लेंस में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, और एनिमल का सेल शेप एक बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस। तो ये उसका जो शेप है नीचे दिया गया है, काफ़ी खूबसूरत सा ये म्यूजियम है।